ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं नवरात्रा विशेष राशिफल तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के लिए। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कर्ज के मामले में, लोन के मामले में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। आज के जो हालात हैं, आज के जो ग्रह हैं, वो कर्ज लेने के लिए कोई फेवरेबल सिचुएशन का संकेत नहीं दे रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरत पड़े तो ही कर्ज लीजिएगा, ऋण लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। ऋण मुक्ति मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके 27 बार रोज पढ़िएगा, दिन अच्छा गुजरेगा आपका। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि, आपके लिए ऋण और तनाव, कर्ज और स्ट्रेस, इन दोनों से मुक्ति का समय है। अच्छे दिनों का आनंद लीजिए, अचल संपत्ति के निर्माण में हल्का फुल्का थोड़ा अगर लोन लेना भी पड़ सकता है तो चिंता मत कीजिएगा, हंसते हंसते उतर जाएगा। ऋण मुक्ति मंत्र को 21 बार रोज पढ़िएगा। अगली जो राशि वो धनुराशि, धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कर्ज लेने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि चल अचल संपत्ति की खरीद के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है, अगले 3.5 सालों में ये कर्ज उतर भी सकता है। ऋण मुक्ति मंत्र को ईशान दिशा की तरफ मुख करके 54 बार पढ़िएगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, शालिनी जी हैं अजमेर से, जो कि अपने पुत्र निमेश के लिए जानना चाहती हैं। निमेश की जन्म की तारीख है 29/11/1997 और उनके जन्म का समय है रात का 10:43 का। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न कीजिए। मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछना है, वो पीएमटी का पेपर दे रहा है पंडित जी, तो उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या उसके लिए लाइन से क्या? कब देगा एग्जाम? जी वो अभी 12th का उसने क्लियर करा है, अब ये पीएमटी का दे रहा है, तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट ईयर देगा ना, 2017 में? हाँ जी। देखिए बेटा शालिनी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली वैसे अच्छी है, लेकिन इसके क्या है, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, इसके डिसीजन हाउस का, लग्न का, सोच के घर का जो स्वामी है चंद्रमा, वो इसकी जन्म कुंडली में नीच का है और एजुकेशन हाउस में बैठ चुका है। लक हाउस का जो ऑनर है गुरु, वो भी इसकी जन्म कुंडली में नीच का है। तो भाग्य का नीच का होना और सोच का नीच का होना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ले जाता है बच्चे को। वी हैव टू पुश, हमें इसको पुश करना है। अगर पीएमटी में सिलेक्शन चाहिए, डॉक्टर बनना है, तो ही हैज़ टू पुट मोर एफर्ट्स, 200% एफर्ट्स करेगा, जब जाके इसका सिलेक्शन होगा। जल्दी से उपाय के तौर पे एक लोहे का छल्ला इसको मध्यमा उंगली में पहनाइए, कम 8 चंद्रमा खरीद के ले आइए बाजार से, सुनार के यहाँ से जो बच्चे के गले में पहनाते हैं, एक एक चंद्रमा एक एक सोमवार को आपको शंकर भगवान के मंदिर पे अभिषेक के साथ में इस बच्चे के हाथ से अर्पण करवाना है। घर में केले का पौधा रखिए, शुद्ध देशी घी का दीपक जो है वहाँ पर जलवाइए, निश्चित तौर पर उससे भाग्य का भी साथ मिलेगा। और चूँकि चंद्रमा नीच का है, तो सूर्यास्त के बाद में, अंधेरा होने के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन जो है वो बंद करवा दीजिएगा, क्योंकि जितना ये वाइट आफ्टर सनसेट सूर्यास्त के बाद खाएगा, चंद्रमा को बल मिलेगा, उतनी ही एजुकेशन में पीछे जाएगा। बाकी टेक्निकल लाइन डॉक्टर बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, अगला साल भी इसका अच्छा है, लेकिन बेटा मेहनत करनी पड़ेगी इसको, दिसंबर के बाद से समय इसका अच्छा आएगा। पंडित जी, बहुत बार देखा जाता है कि बहुत से लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं पर उनमें सफलता नहीं मिल पाती है उन्हें। इसी समस्या से संबंधित हमें एक मेल प्राप्त हुआ था आनंद कुमार जी का, इनकी जन्म की तारीख है 20/4/1983 और उनके जन्म का समय है पंडित जी 7:15 का। पंडित जी, इनका कहना है कि इन्होंने बहुत से प्रतियोगी परीक्षाएं दी है लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिल पाई है और नौकरी नहीं मिली है, ये अभी 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिल पाएगी और या फिर नहीं मिल पाएगी, वो जानना चाहते हैं आपसे। देखिए आनंद, आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, सूर्य उच्च का है, शुक्र स्वग्रही है, चंद्रमा स्वग्रही है, शनि उच्च का है, हीरा है आप, डायमंड है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। 2017 आपके लाइफ का टर्निंग ईयर साबित होगा, 2017 में जो भी कंपटीशन के रिजल्ट आ रहे हैं वो आपके फेवर में आ रहे हैं। सुंदरकांड का नियम बांधिए, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ आपको अवश्य करना है, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, ये सरल से उपाय करिएगा, फायदा होगा।
तो चलिए दर्शकों अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम तीन राशियों की, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आमदनी बढ़ेगी, कर्ज लेने से बचिएगा, जरूरत होने पर भी कर्ज को लेना अवॉइड करिएगा। कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो अच्छी आपकी आने वाले महीनों में हो सकती हैं। ऋण मुक्ति मंत्र 26 बार रोज पढ़िएगा। अगली जो राशि वह कुंभ राशि, आने वाले कुछ महीनों में फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होगी। इस साल वाहन और मकान दोनों के लिए ही कर्ज लेने का योग बन रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आप इस काम में पूरी सावधानी बरतेंगे, लिया गया कर्ज आप पर बोझ नहीं बनेगा। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके 31 बार मंत्र पढ़िएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि, आपको अपने पुराने मकान के रिनोवेशन या घर में किसी मांगलिक कार्य या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी मात्रा में आसानी से अदा होने वाला ऋण लेना पड़ सकता है। ऋण मुक्ति मंत्र 21 बार रोज पढ़िएगा। पंडित जी, आपने अभी तक जितनी भी राशियां बताई सभी के लिए आपने ऋण मुक्ति मंत्र का जिक्र किया, तो जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी दर्शकों के लिए वो ऋण मुक्ति मंत्र जानना चाहेंगे पंडित जी आपसे। बिल्कुल, वो मंत्र जो कि आपको कर्ज से, दारिद्र से मुक्ति दिला सकता है, उस मंत्र को मैं आपके सामने उच्चारण कर रहा हूँ। ओम दारिद्र दुख भय हारिणी कातुरन्या सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता। ओम दारिद्र दुख भय हारिणी कातुरन्या सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र का नियमित रूप से पाठ करिए, बड़े से बड़े दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ सरल से उपाय। कच्चे आटे की लोई में गुड़ भरकर, कच्चे आटे को लोई में बना के गुड़ भरकर पानी में बहा दीजिए, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। कमल गट्टे को पीसकर देशी घी की सफेद बर्फी मिलाकर 21 आहुतियां इस मंत्र से दे दीजिए, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। पीली कौड़ी और हर सिंगार की जड़ को रोली, अक्षत, पुष्प, धूप दीप से पूजन करके धारण करिए या अपने पास रखिए, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। सफेद कपड़े में 5 गुलाब के पुष्प, चांदी का टुकड़ा, चावल, गुड़, ये सब सफेद कपड़े में रखकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और ये प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरी परेशानी उतर जाए, मेरा कर्ज उतर जाए। मन में ऐसा विचार करते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। कमल की पंखुड़ियों में आज माता को मक्खन का भोग लगाइएगा, मिश्री का भोग लगाइएगा, 48 लौंग और 6 कपूर की आहुति दीजिएगा, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, पुष्प, जल अर्पण कीजिएगा। नवमी वाले दिन केले के पेड़ की थोड़ी सी जड़ प्रार्थना करके आज्ञा लेके वहां से निकाल के तिजोरी में रख दीजिएगा, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। सरल से उपाय करिएगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए सबसे पहले, और जितने भी जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।